दोस्तों, दुनिया में हमें सबसे ज्यादा खतरनाक सांप कोबरा या फिर एनाकोंडा लगता है। इसके अलावा और भी अफ्रीका के जंगलों में कई जहरीले और प्राण लेने वाले दुष्ट सांप हैं जो निगलने पर आते हैं तो किसी को नहीं देखते, चाहे इनके पास खड़ा खरगोश का बच्चा हो या फिर किसी इंसान का बच्चा। अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें आप किसी चीज को निगलते देख सकते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले सांप जो एनाकोंडा को भी एक मिनट में धूल चटा दें। भयानक और दानवों से भी बड़े सांपों को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। येलो एनाकोंडा। कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफिसर और मजदूर गहरी गुफाओं के कंस्ट्रक्शन में थे, जिसके कंप्लीट होने के बाद इन्हें एक ब्लास्ट एक्सपोजन का टेस्ट किया, तभी इन्हें बहुत ही मोटा पीले रंग का एनाकोंडा मिला, जिसे देखकर फटाफट चेन के सहारे बांध लिया गया। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनाकोंडा करीब 33 फीट लंबा 400 किलोग्राम वेट का था। इसकी चौड़ाई 16 इंच थी। आप समझ सकते हैं भारी भरकम खतरनाक एनाकोंडा हम इंसानों के लिए कितना मुश्किल है। साउथ अफ्रीका के जंगल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पीला एनाकोंडा है, जो ग्रीन एनाकोंडा खानदान से ही बिलोंग करता है। यह एनाकोंडा पूरी तरह से मांसाहारी समुद्र और नदी में पाए जाने वाले जानवरों और इंसान को अपने मोटे मोटे पूंछ से जकड़कर दम घोटने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद मरे हुए शिकार को हजम करता है। इंडियन पायथन। दोस्तों, इस इंडियन पायथन को भी वर्कर्स के जरिए मलेशिया में कंस्ट्रक्शन साइट पर पाया गया, जो करीब 26 फीट लंबा था। कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले फ्लाईओवर को बनाते वक्त कुछ ही घंटों के बाद आपको ये दिखाई पड़ा था, जहां खड़े सभी लोगों ने अपने गोद में इसे उठाकर फोटो खिंचवाई थी। आप देख सकते हैं सांप कितना बड़ा है, जिसे पकड़ने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ी। मगर बाद में कुछ वर्कर्स के साथ ये लेके गए, लात मारते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि वर्कर्स के ऐसे लात मारने की वजह से पायथन को इंटरनली काफी चोटें आई हैं, जिस वजह से वो मर गया। बर्मीज पायथन। ध्यान से देखिए इस क्लिप को, जिसमें दोनों ही शिकारियों ने 14 फीट लंबे बर्मीज पायथन को रातों रात पकड़ा है। सड़क के किनारे खड़ा काफी खुश हो रहे थे, जिसे देखने में ये काफी पतला और सिर्फ 63 किलो का था। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि बर्मीज पायथन की जितनी भी स्पीशीज हुआ करती हैं, वो 1992 हैरिकेन में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसी तूफान में एक पायथन मिला जो प्रेग्नेंट थी। इसके पेट चीरने के बाद 73 अंडों को निकाला गया, मगर इनके अंदर से पायथन का मिलना काफी रेयर था। तो वहीं आज के समय में बर्मीज पायथन को एडवेंचरलैंड नेशनल के पार्क में बंदरों, पक्षियों और समुद्री जीवों के बीच रखा गया है, जिसमें एक पूरा आशियान महसूस कर सके। रेटिकुलेटेड पाइथन। साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला रेटिकुलेटेड पाइथन एक बहुत ही बढ़िया स्विमर है। समुद्र और नदियों में बेहद शानदार तरीके से तैरते हैं। ये 25.25 फीट लंबे होते हैं, वहीं वजन 150 किलोग्राम। लेकिन इस पाइथन को केन्या में देखा गया, जिसे एक फॉर्मल कम्युनिटी ने गोद लिया। इस वक्त पाइथन की उम्र 10 साल थी। इनकी मदद से मनपसंद खुराक इन्हें खरगोश, हिरण, भेट पेट भर दिया जाता था। एक फैमिली ने तो इसे अपने घर का बच्चा ही मान लिया था, जिसके बाद जमकर ये खुद भी उनके साथ खेला करते थे। लेकिन खतरनाक सांप के इतने करीब आना सही नहीं है। पपुआन पायथन। एक बार एक फार्मर ने अपनी फैमिली के साथ खेती के लिए, वो खेत पर था, रात के समय घर नहीं लौटे। जिसे ढूंढने के लिए फैमिली वाले खेत पर पहुंचे तो देखा एक बहुत मोटा सा पायथन पेट फुलाए बैठा है। जब पायथन को चीरा गया, पता चला किसान को ही निकला बैठा है। हालांकि इससे पहले भी पपुआन पायथन को इंडोनेशिया की सड़कों पर गाड़ी के बीचों बीच आते देखा गया। कई लोगों ने मिलकर इसे सड़क से हटाया, खेतों की तरफ किया। पर यह पायथन अक्सर इंडोनेशिया के फॉरेस्ट इलाकों में देखने को मिल जाते हैं। खतरनाक टाइगर बर्ड्स और बेट्स को भी खाते हैं। अफ्रीकन रॉक पायथन। ये अफ्रीका के जंगल में रहने वाले रॉक पायथन हैं, जिन्हें अधिक गर्मी में रहने की आदत नहीं है। ज्यादातर दम घुटने से इनकी मौत होती है। इसे रॉक पायथन के कनाडा को एक फ्री स्पेस म्यूजियम में रखा गया। 20 फीट लंबे शीशे को तोड़कर ये निकल गया था। तुरंत तस्वीरों में दिखाए गए एक बच्चे को भी निकल लिया। इस तरह से इस वारदात को साल 2002 में देखने के बाद एक बछड़े को ये चबाकर अपने शरीर के अंदर लेकर जाता है। इस पायथन ने 1919 में एक अच्छे खासे लड़के को रात के अंधेरे में शिकार बनाया। स्क्रब पायथन। स्क्रब पायथन आपको ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वनों में देखने को मिलेंगे, जहां कुछ लोगों के द्वारा ये देखा गया। लंबाई 25 फीट मापी गई, लेकिन 60 फीट लंबी स्क्रब पायथन की एक प्रजाति को रेयर ही कहीं आप ढूंढ पाएं। इसके अलावा दो दुनिया में भूले भटके आपको जब जंगल सफारी पे मजे ले रहे थे, तब इन्हें स्क्रब पायथन रेंगते हुए मिले। ऑस्ट्रेलिया के कई घरों में आपको स्क्रब पायथन उनकी दीवारों पर चलते देखते मिल जाएंगे। बोआ कंस्ट्रिक्टर। दोस्तों, रेड लॉबस्टर नाम के इस रेस्टोरेंट में दुनिया के सबसे खतरनाक बोआ कंस्ट्रक्शन को पकड़ा गया, जो कि एक ग्लास के अंदर रखकर उसकी मनपसंद डाइट उसे दी जाती थी। जिसे पकड़ने के लिए रेन फॉरेस्ट वाले और पुलिस को बुलाया गया। इस तरह के जानवरों पर हमला ना करते हुए चुपचाप उनके साथ जाना ही सही समझा।
डायमंडबैक रैटल स्नेक को साउथ अफ्रीका के मेक्सिको के जंगली इलाकों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये यूएस के सबसे जहरीले और भड़काऊ सांपों में एक है। जल्दी किसी की छेड़खानी पर बिगड़ते हैं और फ्लोरिडा में भी ये देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के निवासी को सचेत रहना पड़ता है। इनके घरों के आसपास कहीं आना जाए इस बात का डर है। इतना जहर है कि शरीर में घुलते ही टिश्यू को डैमेज करता है। इसके बाद पूरे शरीर में फैलता है और इंसान की धीरे धीरे मौत हो जाती है। कॉन्गो जायंट स्नेक ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। कई आदिवासियों ने इस सांप को अपने शरीर पर लादकर फोटो खिंचाई है। वहीं रैमी नाम के बेल्जियम पायलट ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान कॉन्गो वन में 960 एक रेन फॉरेस्ट के ऊपर उड़ान भरी तो उन्होंने ठीक 10 फीट नीचे एक कैनगो जायंट को देखा, जिसे देखते ही उनके पास जाते हुए सिर्फ थोड़ी ही देर में डिस्टेंस पर फोटो खींची। हालांकि कॉन्गो जायंट स्नेक सड़क के किनारे भी चलते हुए कई बार दिख जाते हैं। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक विशाल सांपों के बारे में? राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।